हमारे चुने हुए सांसद महोदय ने 10 साल में कौन कौन से विकास कार्य किए हैं और क्या काम किए हैं, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। उन्हें तो शायद ये भी नहीं याद होगा कि उनका चुनावी क्षेत्र जहाँ पे वो आना ही भूल गए हैं। अभी वोट का टाइम आया है तो हो सकता है वो आप तक पहुंचने का प्रयास भी करेंगे। जब भी वो आपके पास आए तो उन्हें अपना स्थिति, वास्तु स्थिति जरूर बताइएगा और सवाल पूछने का काम करिएगा, क्योंकि चुनावी माहौल में हो सकता है 100-200 रुपया कम कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर से उसको दुगना कर दिया जाएगा। आने वाला 5 साल को सुरक्षित करना अब आप ही लोग का हाथ में है, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना आपके हाथ में है। इसलिए अपना विवेक और बुद्धि यूज करिएगा और जो त्वरित आपके सामने प्रलोभन दिया जाएगा उसमें न फंस करके अपना आने वाला 5 साल को देखिएगा। भगमनवा के इस पावन धरती पर उपस्थित हमारे इंडिया महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण और हमारे सामने उपस्थित हमारे तमाम गार्जियन भाई बंधु माता बहन, आप सभी को आपकी बेटी पलामू की बेटी ममता भुइयां की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन चरण स्पर्श जोहार करती हूँ। आपसे बस इतना ही कहना है कि ये चुनावी माहौल, इसे आप चुनावी माहौल के तौर पे नहीं एक चुनौती के तौर पे ले, क्योंकि पिछला जो 10 साल है वो हमारा किस तरह से बर्बाद हुआ है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे चुने हुए सांसद महोदय ने 10 साल में कौन कौन से विकास कार्य किए हैं और क्या काम किए हैं ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। और उन्हें तो शायद ये भी नहीं याद होगा कि उनका चुनावी क्षेत्र जहाँ पे वो आना ही भूल गए हैं। अभी वोट का टाइम आया है तो हो सकता है वो आप तक पहुँचने का प्रयास भी करेंगे और आएंगे और नए नए फिर से वादे और प्रलोभन दे करके आपको फिर से झांसे में लेने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी माताओं बहनों से आग्रह होगा कि जब भी वो आते हैं तो उनसे कुछ तो सवाल पूछिएगा, ये आपका अधिकार है, हक है। आप उनसे पूछिएगा कि पिछले 10 साल में हमारे गांव तक आने वाले सड़क के लिए आपने क्या कार्य किया, हमारे गांव में जल सुविधा के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए आपने क्या कार्य किया। आप उनसे पूछिएगा कि हमारे बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने कौन सा कार्य किया। आप उनसे एक बार ये भी पूछ लीजिएगा कि इन 10 सालों में आपने महंगाई के लिए क्या किया, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2014 में जो गैस सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है और वो सबसे ज्यादा गैस का ही प्रलोभन देंगे, वो बोलेंगे कि हमने गैस बांटा, चूल्हा बांटा, राशन बांटा। तो उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि जो गैस हमें 2014 में 450 में मिलता था वो गैस आज आप ही बताइए क्या 1000 रुपया से कम में आप खरीद सकते हैं, क्या आप हर महीना गैस चूल्हा जलाने के लिए सिलेंडर भरवा पा रहे हैं। लेकिन वो बाहर जाकर के बड़े बड़े भाषण देंगे कि हमने तमाम महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिया। तो जब भी वो आपके पास आए तो उन्हें अपना स्थिति, वास्तु स्थिति जरूर बताइएगा और सवाल पूछने का काम करिएगा, क्योंकि चुनावी माहौल में हो सकता है 100-200 रुपया कम कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर से उसको दुगना कर दिया जाएगा। तो इस बार ऐसे प्रलोभन में नहीं फंसना है आप सबको और आने वाला 5 साल को सुरक्षित करना अब आप ही लोग का हाथ में है, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना आपके हाथ में है। इसलिए अपना विवेक और बुद्धि यूज करिएगा और जो त्वरित आपके सामने प्रलोभन दिया जाएगा उसमें न फंस करके अपना आने वाला 5 साल को देखिएगा। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि
आने वाले 13 तारीख को आप अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ करके उचित प्रत्याशी को दीजिएगा। और इस बार इंडिया महागठबंधन के हाथों को मजबूत करिएगा। इसीलिए आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि आप ईवीएम के क्रमांक संख्या 2 पर लाल टेन छाप का बटन दबा करके आप ही की बेटी ममता भुइया को आशीर्वाद दें और भारी से भारी बहुमत से अपने राजद और इंडिया महागठबंधन के हाथों को मजबूती प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in